स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर ट्वेल्थ और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है कि इंटेक्स क्वेश्चन में कर लिया था अप टू क्वेश्चन नंबर टेंथ तो लेट अस स्टार्ट तो ले फ्रॉम द इंटेक्सट क्वेश्चन ऑनली क्वेश्चन नंबर इलेवन कि नेम अ कंपाउंड ऑफ ईच टाइप एंड ड्रॉ द फिगर साइक्लिक कंपाउंड विथ सिंगल बॉन्ड एंड साइक्लिक कंपाउंड विथ ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड बनाना है सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड का तो पेज नंबर 187 पे आते हैं हम राइट हैंड साइड के टॉप में आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का साइक्लिक बनाया हुआ है और डबल बॉन्ड का जस्ट उसके नीचे बनाया हुआ है तो दिस टू डायग्राम्स यू कैन मेक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ कि गिव द नेम ऑफ वन मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन तो यहाँ पे इथेइन का एग्जाम्पल दिया है मैंने एंड फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथाइन क्वेश्चन नंबर 13 कि डिफाइन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन गिव एन एग्जांपल फॉर ईच इज गिवन ऑन पेज नंबर 187 पेज नंबर 187 एट द बॉटम ऑफ द पेज गिवन कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच वन एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एग्जांपल सी हियर मीथेन प्लस क्लोरीन तो मिथाइल क्लोराइड बन रहा है और एच सी एल फॉर्म हो रहा है एडिशन रिएक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ एटम और मोलिक्यूल टू द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एन अनसेचुरटेड कंपाउंड सो एज टू प्रोडक्ट इज नोन एज एन एडिशन रिएक्शन तो जैसे कि यहाँ पे सी टू एच फोर में ब्रोमिन को ऐड कर लिया है लेटेस्ट सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कि डिफाइन और एक्सप्लेन चेन एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म

नेक्स्ट उसी के नीचे पोजिशन आइजोम में है कि वेन टू और मोर कंपाउंड सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर इन द पोजिशन ऑफ द सब्सटीटेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम दे आर कॉल्ड पोजिशन आइजोम एंड दिस फेनोम्पल ऑन पेज नंबर ऑन द टॉप द एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिफाइन द टर्म आइजोमेरिज्म स्टेट टू मेन कॉजेज ऑफ आइजोमेरिज्म कैसा क्यों होता है एंड नेक्स्ट ड्रॉ द चेन आइजोमर ऑफ हैक्सिन एंड पोजिशन आइजोमर ऑफ ब्यूटीन तो पहले देखते हैं कि आइजोमेज्म होता क्या है और दो मेन कॉजेज़ क्या हैं तो पेज नंबर वन एटी नाइन देखो ये आइजोमर्स की हेडिंग में दिया हुआ है कि कंपाउंडस हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइजोमर्स और यही फिनोमिन जो कहलाती है वो आइजोमेरिज्म कहलाती है कॉजेज ऑफ आइजोमेरिज की बात करें तो यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हो पेज वन एट्टी नाइन के राइट हैंड साइड में टॉप पे कि देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ आइजोमेरिज डिफरेंस इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम और एक्सप्लेन भी किया हुआ है और नेक्स्ट है डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस तो यू कैन रीड फ्रॉम ईयर और यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम ईयर अगर बी के फिफ्टीन के बी पार्ट में आते हैं तो छेन आइजोमर्स बनाना था हेक्सेन का तो ईयर आई हेव ड्रॉन यहाँ पे एन हेक्सेन मैंने बनाया है और एक्सन के बाद आइजो हेक्सेन और आइज़ो के बाद न्यो हेक्सेन बनाया है यहाँ पे देखो ये जो है वो ऊपर वाले के लिए है और यहाँ पे देखो सी पे इसी सी पे ये भी होगा और ये भी होगा यहाँ स्पेस मेरे से गलती हो गई है तो आप नहीं करना तो आप यहाँ सी के ऊपर ही क्या होगा सी एच थ्री होगा और नीचे भी सी एच थ्री होगा और पोजीशन आइसोमर बनाना था ब्यूटीन का तो ब्यूट इन का देखो मैंने दो बनाया है पो, पोजिशन आईज में कि ब्यूट वन इन बनाया है यानी पहले कार्बन के बाद बॉन्ड दिया है और यहाँ पे सुकेंड कार्बन के बाद बॉन्ड दिया है मैंने ब्यूट टू इन डबल बॉन्ड नाउ क्वेश्चन नंबर कि डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप एंड गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कीटोन अल्कोहल एंड एल इट इज गिवेन ऑन पेज नंबर एट इन द टेक्सट बुक लुक एट द टॉप ऑफ पेज नंबर एट राइट हैंड साइड फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग के नीचे दिया हुआ है कि द फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंट इन ए स्पेसिफिक मैनर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेक्स्ट इट इज़ आस्किंग कि अल्कोहल एल डी हाइड और कीटोन का पूछ रहा था स्ट्रक्चर ऑफ़ फार्मूला तो कम एट द बॉटम एंड हेयर यू विल फाइंड कि अल्कोहल के लिए देखो जनरल फार्मूला ये है एल्डिहाइड हाइड के लिए और कीटोन के, के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग होमोलोग सीरीज एल्काइन का फोर्थ मेंबर होगा पेंटाइन सी फाइव एच एट और एल्कोहल का होगा ब्यूटेन सी फोर एच नाइन ओ एच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन कि विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एल्काइल ग्रुप से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में है कि नेम द एल्काइल रेडिकल एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि मिथाइल हो जाएगा और फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का हो जाएगा नेक्स्ट वाले में इथाइल हो जाएगा और एल्कोहल ग्रुप है और उसके बाद वाले में क्या है प्रोपाइल है सी थ्री एच सेवन एल डी हाइड यानी कि सी एच ओ लास्ट में तो दैट इज एल डी हाइड है और फिर इसके बाद देखो सी डब्लो एच किसके लिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है और ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा रेडिकल और यहाँ पे देखो सी डब्लू एच अगेन तो ये भी कार्बोक्सिलिक हो गया और ये अल्काइल रेडिकल हो गया और यहाँ पे लास्ट वाला है सी एच ओ दट इज एल्डिहाइड मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की वॉट इज एन एलकाइल ग्रुप एंड नेक्स्ट की गिव द नेम ऑफ एनी थ्री एल्काइल रेडिकल हाउ आर दे फॉर्म्ड

एंड सी मेथाइल प्रोपाइल एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ द होमोलोगस तो पेज नंबर देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगसरीज दिया हुआ है और तीन मेंयर लास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ए पार्ट है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास में फोर्टीन ए का डिफरेंस होता है और इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ पर मोलिक्यूल तो सी का होता है डिफरेंस ओके okay? तो और ये सी से ही फोर्टीन आता है कार्बन का ट्वेल्व और हाइड्रोजन का टू तो देखते हैं कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज तो पेज नंबर 190 पे मिलेगा आपको

तो यहाँ से आप लिख सकते हो